हाय एवरीवन फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी है हमारा पिज़्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी रेसिपी कि हमने ये पिज़्ज़ा बनाया कैसे है। काफ़ी टेम्पटिंग है और मन कर रहा है खाने का, तो चलिए पहले रेसिपी करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल और यहाँ पर अब हम बनाएंगे पहले पिज़्ज़ा का बेस। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप आटा। ये सिंपल गेहूं का आटा है, चाहे तो आप मैदे से भी बना सकते हैं, बट मैं आटा ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसमें हमने डाल दिया है ये पिसी हुई शुगर है जो मैंने डाली है 1/4 चम्मच और 1/2 चम्मच नमक। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं बेकिंग सोडा, ये थोड़ा कम जाएगा, ये ज़्यादा नहीं है, ये छोटा चम्मच है, उसका भी ये चौथा हिस्सा है। और यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमने दोनों डाल लिया है और यहाँ पर इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम दही, ये रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा भी ना हो, और इससे हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से गूंदना है, जोर नहीं लगाना है, सिर्फ फिंगर्स लगाएं इसमें ज़्यादा। और ये देखिए, इस तरह से हम इसको हल्के हाथों से गूंदेंगे। तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम थोड़ा सा दही या उसका पानी ऐड कर लेंगे, या फिर आप सिंपल पानी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दही ना हो तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं या इनो शैशो का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए डो तो बन गया है थोड़ा रफ, और इसमें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब बटर है जिसको मैंने पिघला कर डाल लिया। बटर से क्या होगा कि जो हमारा बेस बनेगा वो काफ़ी स्मूथ बनेगा और फ्लफी भी होगा। तो इस तरह से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि सारा कुछ घर पे ही बनाया जाए और हमेशा वेस्ट पड़े भी नहीं होते हैं घर पे पिज्जा के। और आपका मन करे तो आप इस तरह से इसको फटाफट से बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लेमन की जगह हम कर्ड, कर्ड की जगह हम इनो सैशे, इस तरह से चीजों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ डो हमारा तैयार हो गया रफ, इसको हमने ज्यादा गूंदना नहीं है, स्मूथ नहीं बनाना था। इसको थोड़ा 5-7 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम उसके टॉपिंग के जो है इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, जो मेरे पास अभी अवेलेबल थे मैं ले चुकी हूँ, वो देख सकते हैं आपको। रेड, येलो, कैप्सिकम, चीज, टोमेटो, अनियन और कॉर्न थोड़े से। तो ये सारे चीज़ें हम कट कर लेंगे। यहाँ कॉर्न्स तो पड़े हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ कि हमने जो प्याज को कट करना है उसके सिर्फ बल्ब्स निकालने हैं अपने अनियन के। ये देखिए, इस तरह 4 पीस कर लीजिए और इसके बल्ब्स आप निकाल लीजिए। टॉपिंग करने के लिए हमारे को ऐसे ठीक रहेगा। टोमेटो को मैंने बीच में से कट कर लिया है और हमें सिर्फ उसका आउटर पार्ट चाहिए। तो आप स्पून डालकर इसका जो इनर पार्ट है उसको रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर ये खाली शेल मिल गया हमें। तो अब हम इसकी सिर्फ आउटर पार्ट की कटिंग कर देंगे। टॉपिंग पे हमारे को सीड नहीं चाहिए। तो इस तरह से टमाटर भी हमने कट कर लिया है, सारी वेजिटेबल्स हमारी कट हो चुकी हैं। आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ले लेंगे हम थोड़ा सा पनीर, और इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट करा है ताकि जब बाइट लें तो उसके अंदर इसका पूरा टेस्ट आए चीज़ का। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं तवे को तैयार। तवा हो या फिर आप ले सकते हैं कढ़ाई, मैं तवे पे बना रही हूँ। यहाँ पे एक स्टैंड चाहिए, या कटोरी ले लीजिए, या प्लेट ले लीजिए, बस सिर्फ हमें इसको कवर करना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया नमक। नमक इसलिए डाला है, नमक से जो है स्लो कुकिंग होगी, तो हमें धीरे धीरे उसको पकाना है। मैं माइक्रोवेव या ओटी यूज नहीं कर रही हूँ। इस तरह से स्टैंड को रख देंगे और उसके ऊपर एक रख देंगे हम प्लेट, और इसको मैं कर लूंगी ग्रीस ऑयल से। मैं सिंपल ऑयल से इसको ग्रीस कर रही हूँ चारों साइड से। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ बटर पेपर, ये जरूरी नहीं है बट मैंने ले लिया है कि इससे थोड़ा सा और अच्छे से जब हम इसको रखेंगे पिज्जा बेस को तो इजीली वो निकल जाएगा। तो अगर ना हो तो हम डायरेक्ट प्लेट पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं किनारे कट कर देती हूँ कि तवे पे लग के ये जलेगा नहीं। तो इसको रिमूव कर देंगे हम। हम कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो ये डो बनाया था हमने बेस पिज़्ज़ा बेस का, तो ये देखिए, ये खोल कर दिखा रही हूँ मैं, जालीदार बना। हमें ऐसा चाहिए, इसके अंदर एयर चाहिए इसको, इसीलिए हमें टाइट नहीं गूंदना, ताकि जब ये इसको हम धीरे धीरे तवे पर सेकेंगे तो ये इसके अंदर ये बबल से ये फूल जाएगा और सॉफ्ट बनेगा। बस हल्के हाथों से हमने इसको इस तरह से रखना कि एयर बाहर ना आए। और इस तरह से हम थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेकर इसको बेल लेंगे।
कोशिश करें कि हल्के हाथों से ही ये बिल जाए। तो इसको मैंने थोड़ा सा रोल कर लिया हाथों से, और इसी तरह से हम इसको चपटा भी कर लेंगे। अगर आप पूरा इसको चपटा हाथों से कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बेलन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यूज कर लिया, उससे ज्यादा मेरे से फैल नहीं रहा था, तो मैंने इस तरह से एक इसका बेस तैयार कर लिया है, रोटी की तरह, जैसे मक्के की रोटी होती है ना, उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए इसकी मोटाई मैं दिखा रही हूँ, हाथों से थोड़ा सा इसको थपथपा देंगे। और यहाँ पर अब हम मैंने लिए है अमूल डाइस चीज, जो मोजरेला चीज है। आप चाहे तो ब्रिक शेप में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसका ग्रेन्यूल्स हैं, डाइस है, तो मैं वही ले यूज कर रही हूँ। तो ब्रिक है तो आप उसको ग्रेट कर सकते हैं। ये सारे जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये सब मैंने खुद बाय करे। यहाँ पे मैंने ले लिया सॉस, मेरे पास पिज्जा सॉस नहीं है तो मैं घर पर ही बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे सॉस ले लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये ओरिका का मेरे पास पड़े हुए इटालियन सीजनिंग, ये बहुत ही टेस्टी है। मैं इसको कई सालों से यूज कर रही हूँ और बहुत चीजों पे मैं यूज कर चुकी हूँ इसको। इसको भी थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे। तो जितने भी मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ मैंने खुद बाय करें, कोई प्रमोशन नहीं है, आप अपनी पसंद के कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमें चीजें ऐसी करनी चाहिए जो हमारे पास घर पे अवेलेबल हो और हमारे को टेस्ट भी पूरा मिल जाए, तो ये नहीं कि हर चीज के लिए हम मार्केट भागे जा रहे हैं और फिर सामान लेकर आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने बेस पर इसको लगा दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा तीखा या मीठा या खट्टा कर सकते हैं, तो मैं वही चीजें कर रही हूँ जो मेरे पास है और जो हमारा टेस्ट है। तो यहाँ पर हम ये मोजरेला चीज है इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। मैंने बताया अगर ब्रिक है तो आप खुद ग्रेट कर लें, ऑलरेडी ग्रेट किया हुआ है ये। तो इस तरह से पहले हमने ये लगा दिया, और अब हम इस पे कर लेंगे टॉपिंग। आप अपनी मनपसंद सब्जियों की कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप जो भी लाइक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न, अनियन, रेड, येलो, ग्रीन, सारी कैप्सिकम भी डाल दी। वापिस से थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं, चीज़ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए ज़्यादा चीज़ डालेंगे, मोजरेला चीज़ जो है। और यहाँ पर मैंने देखिए कि ये जो है हमारे पास चिली फ्लेक्स है, मैंने इनको इसी तरह डायरेक्ट में वो ड्राई थी तो मैंने उसको तोड़ कर ही उसके सीड्स डाल दिए इस पे, और वापस से थोड़ा सा ये इटालियन सीजनिंग फिर डालेंगे हम इसके ऊपर। ये जो बड़े ब्रांड हैं वो यही यूज कर रहे होते हैं, मैंने टेस्ट करा है, बहुत अच्छा टेस्ट है इस सीजनिंग का। तो इसको मैंने रख दिया तवे पर, अब हम इसको ढक देंगे। प्लेट को मैंने उठाकर इसी तरह से तवे पे रख दिया, और इसको हम कर देंगे कवर। आपके पास ऐसी कोई लिड है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आपको मैं दूसरा तरीका बता देती हूँ। आप किसी पतीले से या फिर इस तरह से जो भी जिसमें मैं आटा थोड़ा सा गूंदती हूँ, ये इसको भी रख सकते हैं। हमें सिर्फ कवर करना है कि एयर बाहर ना आए। तो चलिए हमने इसको इससे कवर कर दिया, मैं आपको वो भी बता चुकी हूँ। दूसरा एक बेस और तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा मेरे पास मटेरियल बचा हुआ है, इसमें बताती हूँ मैं आपको। इसी तरह से हमने ग्रीस कर लिया, इसको बेल लिया, तो थोड़ा सा फोक से प्रिक कर देंगे। पहले पिज्जा में मैंने प्रिक नहीं करा था, तो आप इस तरह से इसको प्रिक करना जरूरी है, तो इससे क्या है अंदर तक सीख जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा प्रिक कर दीजिए। तो उसमें मैंने देखिए कि प्लेट को ग्रीस तो करा था पर पेपर लगाया था, बटर पेपर, लेकिन इस पे मैं क्या कर रही हूँ कि डायरेक्ट ही इसको रख रही हूँ। मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। और वापिस से इधर हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो पिज्जा है पकना शुरू हो गया। एक बात और बताऊंगी आपको मैं यहाँ पर, कि आप बिल्कुल स्लो गैस पर ही उसको पकाएं, अदरवाइज बहुत जल्दी से सिक जाएगा, तो जो वेजिटेबल्स हैं वो कच्ची रह जाएंगी, आपकी जो टॉपिंग है वो अच्छे से नहीं स्टीम्ड होंगी। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर हम वापिस से करेंगे, वही सॉस लगा दी मैंने और सारी टॉपिंग कर दी है, चीज डाल दिया। तो देखिए एक दूसरा पिज्जा भी हमारा रेडी हो गया, और कितनी कम क्वांटिटी लगी है हमारे को, मार्केट से कितने महंगे मिलते हैं हमारे को पिज्जा, और हम अपना टेस्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस पे मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी स्प्रेड कर रही हूँ, और ये फ्लैक्स उसमें मैंने सीड डाले थे, ये सिंपल फ्लैक्स मैंने तोड़कर डाल दिए, जो चिली फ्लैक्स थे। वापिस से सीजनिंग थोड़ा सा डाल दूंगी सीजनिंग। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बबल्स आ रहे हैं ना, ये देखिए ये जो चीज है ये जो मेल्ट होना शुरू हो गया, ये स्पून से मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ये पिज्जा जो रेडी हो रहा है, बहुत स्लो रखिए गैस को, 20 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको रखे हुए, तो 20 मिनट में ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये पिज्जा रेडी हो गया। अगर हम आँच तेज करेंगे तो नीचे का बेस जल जाएगा और सब्जियां कच्ची रह जाएंगी। थोड़ी सी सीजनिंग मैं बचा ली थी मैंने, वो डाल रही हूँ वापिस से इसके ऊपर।
और ये देख सकते हैं आपके हमारे पास ये पिज्जा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको उतार लिया है और इसकी हम कर लेंगे कटिंग। ये देखिए वाह, बहुत अच्छे से बना है, सचमुच टेम्पटिंग है। और टॉपिंग आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हैं। तो मोजरेला चीज के बिना तो ये इतना मजा नहीं आता। तो ये देखिए, ये स्लाइस हमने कट कर लिया। और यहां पर मैं कैमरा मेरे से ही उसमें नहीं रखा गया, तो मैं दिखा रही थी आपको कि ये बेस जो है कितना अच्छे से रेडी हुआ है। तो आप नीचे वाले पिज्जा में देखिए इसकी मोटाई यहाँ दिख रही है। तो ये इसकी, ये देखिए कितना फूल गया, हमने कितना पतला बनाया था बेस और कितना अच्छे से ये फूल कर रेडी हुआ है। तो सचमुच बहुत अच्छे से बना है। आई होप आपको ये पिज्जा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए फायदे का होगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पिज़्ज़ा आपके लिए रेडी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा। और आप जब कमेंट्स करते हैं तो हम आपके कमेंट्स के ऊपर ही ये रेसिपी रेडी करते हैं। और मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज इतना तो बनता है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने दूसरा पिज्जा भी उतार लिया, और ये इसकी भी टॉपिंग आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा चीज भी आप उसके ऊपर ग्रेट कर सकते हैं। ये मैं अपने बेटे के लिए रेडी कर रही हूँ, इसको मैं इसी तरह रॉ रखूंगी, ऊपर वाले चीज को नहीं पकाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।